हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि R290 गैस को चार्ज कैसे करें और वेटिंग स्केल पर गैस को कैसे मोच के डालें। इससे आपकी गैस चार्जिंग भी फास्ट होंगी। ये देखिए बैक प्रेशर R290 का या ग्राम। चलिए शुरू करते हैं। वापस सबसे पहले आप वैक्यूम करें अच्छी तरह से, मिनिमम आधा घंटा। उसके बाद आप इस तरह से कैन को उल्टा रख के उसमें दिए हुए जो इंग्रेडिएंट्स कितनी ग्राम गैस है उसके हिसाब से गैस डाले। गैस सिलेंडर को उल्टा रखे, उल्टा रख के उसको टेयर ज़ीरो कर ले। फिर उसके बाद जितनी गैस ली गई उससे 10 ग्राम या 15 ग्राम गैस कम डाले ताकि परफेक्ट गैस चार्जिंग हो। दूर से ले। देखिए अभी मैंने इसमें 70 ग्राम गैस है ये फ्रिज में, हायर का डी फ्रिज है ये 300 लीटर का। इसमें 70 ग्राम R290 गैस है। अभी मैं इसमें 50 या 55 ग्राम डाल रहा हूँ ताकि 15 ग्राम मैं थोड़ी देर बाद डाल सकूँ। फिर रोक लेना उसको 10-15 ग्राम पहले, क्योंकि चार्जिंग लेन में बाकी रहती है। देखिए इसमें चालू करो, 52 ग्राम गैस जा चुकी है, मुझे 70 ग्राम डालना है। अब मैं फ्रिज चालू करके और बची हुई गैस कुछ मिनटों में डाल दूंगा। यार रुकने की भी जरूरत नहीं तुमको। मैंने फ्रिज चालू किया है, सिंपल स्प्रे में काम। चालू करके कितनी जाल बता रहा है? बैक प्रेशर इसका लगभग ठंडी के दिनों में, मतलब अगर बाहर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है तो आपको इसका बैक प्रेशर रखना है 25 से 30 के बीच में। और अगर बाहर का तापमान 35 या 38 के ऊपर है तो इसका बैक प्रेशर रखना है आपको 30 से 32। दोस्तों ये गैस चार्जिंग के तरीके चले गए। देखिए मैं इसमें बाकी जो बची हुई गैस थी वो भी चार्ज कर रहा हूँ 70 ग्राम। बंद कर दो, अब आपको करना है कुछ नहीं है। इससे क्या होता है कि आपको फास्ट गैस चार्जिंग होती है और मॉइस्चर वगैरह जाने का खतरा नहीं होता। सील सिस्टम तुरंत पैक हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना होता है। और सबसे मेन, बहुत ही परफेक्ट गैस चार्जिंग होती है इस तरीके से। इसको खोलो और कंपनी भी रिकमेंड करती है कि आप गैस चार्जिंग इसी तरह से करें। सिंपल ये वेविंग स्केल आपको मार्केट में 350 से 500 रुपये के दरमियान मिल जाएगा। 5 ग्राम, 5 ग्राम थोड़ी सी चार्ज। तो इस तरह से गैस चार्जिंग करने पर आपको खतरा भी नहीं होगा और गैस चार्जिंग भी परफेक्ट काम नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब आपके कॉम्प्रेसर जो है परफेक्ट एम्पियर पे चलेगा। अगर गैस परफेक्ट गई है तो ओवरलोड